ये तो पड़ोशी मित्र भवन आम एठा कहीं आसचे माँ तुम्हें आम को एठा कहीं आसी आज तुमको एठा को आनिबार एक विशेष कारण अच्छी भोला आस मो सहित भीतर को ओम नमः शिवाय प्रभु आसीगले माता तुम्हें आसीगल सतरे भक्ति आउ प्रेम ठू अधिक शक्तिशाली ए संसार रे आउ किछि भी नाही तमे सेठी काई कि ठिया हिचो आसो ना बसो आज मु एकाकी आसी नहीं मित्र प्रणाम महादेवी आपण माने कुआडे जाउछंती की नाही मित्र केवल मां आउ पिताश्री जाउछंती सेथि पई आम मां आमकु स्वयं आपणक गृह को आनी छंती सत्य कहउछंती भोला मोर सौभाग्य जे मो प्रति आपण मन निर्मल हो जाइछि देवी अनसुया देवी पार्वती बालक मनरे थिबा कोनोसी जिज्ञासा को ना असंपूर्ण छाड़ीबा उचित आउ ना ताकु दमन करिबा उचित कारण जिज्ञासा ही ज्ञानर मार्ग हेथाय यदि से मार्ग अवरोध हो जाए तेबे ज्ञानर मार्ग मध्य अवरोध हो आउ बालकर मन से ही असंपूर्ण जिज्ञासारे अटकी जाई थाए आउ से अन्य कौनसी विषय उपरे ध्यान दे पारे ना सेथिपाई आज मु भोळांकु स्वयं आपणक पाखकु नेई आसीछि जहा द्वारा तांको जिज्ञासा शांत हो आउ से अन्य कार्य पई मानसिक स्तर रे स्वतंत्र हे जिबे एहा तो बहुत उत्तम कार्य करिसेंती आपण सर्वोत्तम मांकर समस्त कार्य उत्तम हेई थाए मित्र देवी पार्वती आमे फेरी आसीबा भितरे आपण आपणकर कथा समाप्त करिदेबे कारण या परठारु भोळा आपणकर एठाकु आसिबेनी मोर एहि निर्णय पछरे आपणक प्रति कौनसी शत्रुता नहीं मु केवल जणे मातार दायित्व पालन करुछि हाँ देवी पार्वती आउ एथर त आपणको पर्याप्त समय मिलिजिबो कारण एथर आमे एठारु पुत्र देवा आउ नारायणको आणिबाकु महर्षि अगस्त्यंक आश्रमको जाउछु आउ सेठारु फेरिबा निमन्ते बहुत समय व्यतीत होवार संभावना रही सेथिपाई आमे आसीबा भितरे आपण को आपणकर कथा अंत पर्यंत सुनेबा को हेब देवी पार्वती आशा करुछि आपण समय सीमार
पालन करिबे। आपण मा आपणक पुत्र भोळांक उपरे आपणकर अधिकार अछि, परंतु एक भक्त हबा दृष्टिरु मोर मध्य अधिकार अछि ना। एमिति भावे भोळांक सहित मोर मेलामिशा उपरे प्रतिबंध लगेबा न्यायपूर्ण नुहे ना। परंतु मा सीए मोर मित्र आउ मित्रर मित्र उपरे पूर्ण अधिकार थाए ना। तुमे तो थरे निजे कहिथिलो जे मित्रतार संपर्क बहुत पवित्र आउ श्रेष्ठ हेइ थाए। निस्वार्थ आउ निष्कलंक हेइ थाए। संसारे समस्त संबंध जन्मरु प्राप्त हेइ थाए। एहा एक एभली संबंध जहाँ आमको जन्मरु प्राप्त हेइ न थाए। आमको योग्य मित्र खोजी करिबाकु पड़ी थाए। आउ मा सृष्टि हेइ थिबा जे कोनोसी वस्तु सृष्टि करिथिबा व्यक्तिर प्रिय हेइ थाए ना। तेनु तुमे मते मित्रंक सह भेटिबाकु न देबा। ठीक अछि, मु फेरि आसिबा परे ए विषयरे निष्पत्ति नेबी। से पर्यंत तम दी जणकु मते एक वचन देबाकु हबो। आदेश दियो मा। अमर फेरि आसिबा पर्यंत तमे एही भवनरु बाहरकु जीव नाही। वचन दिउछि मा। तुमे फेरि आसिबा पर्यंत मु पड़ोसी मित्रंक गृहरे ही रहिबी। आश्वस्त हेली। अच्छा महादेवी, देवी आज मु बहुत प्रसन्न। कौन पई ऋषिवर आज एते दिन परे देव आ नारायण गुरुकुल रु गृह को फेरि आसीबे सेथि पई। हां देवी, सेथि पई तो प्रसन्न हेछि, किंतु ता व्यतीत प्रसन्नतार एक बहुत बड़ कारण रहिछि। केउ कारण देवी? मोते जहां लागुछि आज जहां किछि भी हैला संपूर्ण उचित ही हेला। देवी पार्वती जमिति मोह भासरे पड़ी जाइछंती, कथा को शेष पर्यंत सुनई सी सेई मोहर मुक्ति पाइबे। सी एथि पई बहुत संतोष लाभ करिवे देवी, जहाँ को सी करि पारि थांते से समस्त प्रयास सी करिछंती। आ परिणाम जहाँ भी किछ हो देवी कौनसी अभाव रखिबेनि सी। आ अन्य एक बड़ कारण होछि देवी, आमर बाल्य भोला आ मूढ़ मध्य एवं मुक्त होई अन्य कार्य रे सेमानक ध्यान लगे पारिबे। भोलांकर फेरिबा परे मोर केवल गोटिए लक्ष्य रहिबो ऋषिवर, भोलांकु सांसारिकता
आउ व्यवहारिकतार ज्ञान दबा। व्यवहारिकता ज्ञान देबा आमर बाल्य भोळांकु एठी एक संशय आसुची देवी। कि भली संशय? जिए संसारर सबुठ ऊर्धरे जहांक पाखरे संपूर्ण ज्ञान रहिची तेबे सेई भोळांकु आपण सांसारिकतार ज्ञान देबे केमिति? सती जेऊ सांसारिकतार ज्ञान पाइबा पई कैलास आसीथिले कण सी ताहा प्राप्त कले? एमितिरे तो सती विवाह करि कैलास को चली जाइथिले, परंतु तांक वैवाहिक जीवनर सत्य अन्य किछि थिला। वैवाहिक जीवनर तो गोटिए सत्य थाए मित्र, संबंधरे मधुरता, समर्पण, विश्वास। संभवतः सही सबुर अभाव थिला सतींक वैवाहिक जीवन रे, तेणु सती एवं शिवंक भितरे दूरत्व बढ़ी चली थिला। जेबे आधार दुर्बल हे थाए तेबे सामान्य निर्माण मध्य धराशायी हे जाए। कदाचित एही कारण थिला से दूर को चली जीवन। शिव प्रयास करुथिले जे सती निजर वास्तविक स्वरूप आदिशक्ति स्वरूप सह अवगत हुवंतु, जहा द्वारा से पूर्णता प्राप्त करि परिबे। क्षमा करिबे, एक प्रश्न अछि मनरे, आपण उत्तर देबे शिव? आपण काहाकु ध्यान करुछंती, काहाकु एते तन्मयतार सहित स्मरण करुछंती? तुमर एही प्रश्नर उत्तर समय आसिले देबी सती, तुमको प्रतीक्षा करिबाकु हेब। आस एठारे मो बामांग पटे बस। बामांगरे काहेकि? कारण पत्नी पतिंकर हृदयर स्वामिनी होइथांती, आउ बामांग एवं हृदय शरीरर बाम भागरे ही रहिथाय। सेथिपाई पत्नीर स्थान पतिंकर बामांगरे हेइथाय। हाँ सती, सेथिपाई पत्नी को बामांगी कुहा जाय थाय। बामांगी अर्थात जीवनर मुख्य अंग। आपणक हृदयर स्वामिनी एकथा एते सुखदायक हेब एहा मु कल्पना भी करिनथिलि। सती, मो हृदयर स्वामिनी हेबा अतिरिक्त अन्य एक स्वरूप अछि तुमर, जहा सह तुमे ए पर्यंत संपूर्ण भावे परिचित नुह, आदिशक्तिंकर स्वरूप। समय आसी जाइछे बे
ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାର, ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତୀ। ମୁଁ ମୋର ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିବ। ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମର ସେହି ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବି ଯାହା ତୁମର ଅବଚେତନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିଜର ନେତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କର ସତୀ। ଏବେ ନିଜର ନେତ୍ର ଖୋଲ ସତୀ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲି। ଏହି ସଂସାରର ସଞ୍ଚାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ସତୀ। ତୁମେ ସେହି ଆଦିଶକ୍ତି, ସେହି ଉର୍ଜା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ହେବା ଅତିରିକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାହ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକାଠି ରହୁ,
ଲମ୍ବା ନ ରହୁ। ସତୀ ନିଜର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ସତୀ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେନି। ସତୀଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଶିବଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧ୍ୟାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାସ ବର୍ଷ ଏବଂ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲିଲା।